अब हम तो वोट रख लिए तो देंगे कछु बिल्कुल मुख्यमंत्री अखिलेश बने हमें तो अखिलेश ही सरकार बढ़िया लगती है ना जीतांगे पूरी जनता दे हमारी पूरी जनता साथ है हाँ अखिलेश यादव बनेंगे ना योगी बने ना मायावती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच, मैं हूं सोनू यादव और भारत एक सोच की चुनाव यात्रा आज पहुंची है। बदायूं के रुकुंदी नगर गांव में तमाम ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है वो जनता किसको चुनेगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि अब जो चुनाव है चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम लोग हैं। बाबा हम सबसे पहले आप तो जानना चाह रहे हैं योगी जी की सरकार कैसी लगी आपको? हमें तो क्या मतलब, लेकिन आप पूछो तो क्यों योगी तो फ्री राशन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हमें हमें राशन ना है, हमें ताए। अच्छा, ना राशन है ना ना का पैसा ना सारी लड़ाई बनी हमारी। अच्छा हाँ, हमें करना है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हमें साली की। हमें बढ़िया ना लगी। अच्छा, बढ़िया नहीं लगी ना, हमें तो अखिलेश की सरकार बढ़िया लगे। अच्छा, अखिलेश की? हाँ, अखिलेश की सरकार क्यों अच्छी लगी? जो बढ़िया लगी है जे ना खाते हमारे खेत। अच्छा हाँ, जे खेत खा रही है और हमारे मानो खाना को मिले ना तो क्या खाएंगे हम? योगी जी तो राशन फ्री दे रहे हैं बाबा, हमें ना जरूर है राशन से। अच्छा ना, बिल्कुल नहीं। बाबा आपको कौन नेता पसंद है? राशन फातन हमें ना मिल रही है। अच्छा, नहीं, नेता कौन पसंद है आपको? योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती जी, अब किन्हें बताओ, सभी पसंद है हमारे तो भैया। अच्छा, सब पसंद है। तो मुख्यमंत्री किसे चाहते हो? योगी जी को चाहते हो या फिर किसी और? जो कोई है तो ये है। अरे हम अकेले थोड़ी जाओ, हम अकेले कोई ना होएगा। आप आपका लग रहा है इस बार कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश बने। अच्छा, अखिलेश? हाँ। अखिलेश क्यों? अखिलेश पहले आदमी, उन्हें काम बढ़िया करे, सब विकास क्रिया, बिजली उन्होंने बुलवा दी, परेशानी ना होने दी है, जहाँ मैंने तो लोड बंद कर दो, एक एक रुपया परेशान है गए, नए लोड चलाए दे तो प्राण भी चल ना रहे, बहुत ही परेशानी आई है। देख लो कैसे डर रहा है, जो सब खेती खाए। कुछ और लोग भी है। चाचा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, योगी जी, अखिलेश यादव या फिर मायावती जी? अखिलेश। अखिलेश? अखिलेश। अच्छा, योगी जी क्यों नहीं? योगी जी हाँ। दुनिया भर को तो बाल पर हुआ साथ मारे, आदमी की खेत मरैया पर खेत के साथ मारे रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, योगी नो ना है। अच्छा, योगी जी राशन फ्री दे रहे हैं और सम्मान निधि भी मिल रही है। हमें हमारा नाम है, हमें चौकनी अठूनी साथ में रात दिन खेतन पर लिखा जाते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ? इस बार साहब अखिलेश मुख्यमंत्री बने। अच्छा हाँ, वो तो एक मुसलमानों ने बदनामी कर दी, अखिलेश जैसा तो मुख्यमंत्री कोई बना ही नहीं है अभी तक। अच्छा हाँ, हम तो उनको ही कह रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। बाबा आप बताओ कि इस बार मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे या फिर अखिलेश यादव या मायावती? अखिलेश यादव बनेंगे, ना योगी बने ना मायावती। अच्छा। हम गाँव के मालिक ना है। अच्छा। हम तो उन्हें देंगे चाहे हारा चाहे जीतो। अच्छा हाँ, ऐसा क्या लगा आपको अखिलेश? अच्छा, जो देखो मेला कैसे बैठा हुआ। अच्छा हाँ, योगी के गांव में हमें माला पहरा दिया, खेती में रात दिन मर रहे हैं और तो ना मांगते। अच्छा, सब खाए ले रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी तो अब राशन भी फ्री दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कह रहे हैं हम किसानों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार। राशन ना कोई मुझे तुम जो माल दे तो ना आए हमारे मत बलाए। अच्छा हाँ, गुंडागर्दी हाँ? गुंडागर्दी तो अपन अपन सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी के लोग कर रहे हैं? अरे जय सरकार आ जाए, वो तो अपने दम दबा दिखा पाते हैं सब लोग। जहाँ में गुंडागर्दी ना है, अब तो रामराज चल रहा है बाबा है? रामराज चल रहा है, रामराज ना है, हमें मालूम है कि का चल रहा हुआ। अच्छा हाँ, कातगाने तो पूछो का बीत रही है। अच्छा हाँ, रामराज नहीं चल रहा है ना? कोई रामराज ना है, योगी जी कह रहे रामराज चल रहा है। अरे भगवान है, नाम लोग अपने मुड़ मुड़ाए के उतरे। बहुत गुस्से में है बाबा। आप बताइए, आप क्या लग रहा है कि योगी जी फिर से आएंगे या फिर परिवर्तन होगा इस बार? नहीं, योगी जी गए 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 कहाँ गए? गए अपने घर के लिए मुड़ मुड़ा गए, चिलम पिए योगी जी, चिलम पिए, चिलम पिए। अरे काहे को बड़ा काम कर रहा है वो, तो किसानों के लिए काम कर रहा, काम कर रहा है, सारे का मरवा कटवा दिए कि काम कर रहे हैं वो, कल लॉकडाउन में मरवा कट दिए, कल लॉकडाउन में कटवा मरवा दिए, और क्या कर लेंगे और कह दिए, और उन्हें जनता कटवा मरवा दी, वोट कैसे लेंगे? युवा इस बार किसे वोट करेंगे भाई? हम तो अखिलेश भाई को सपोर्ट करेंगे। अच्छा हाँ, वो ही मुख्यमंत्री चाहिए हमें और कोई नहीं। योगी जी क्यों नहीं? योगी जी कहना मतलब ये तो एक कोई राजनीति करने वाले नहीं है। अच्छा, ये तो एक ऐसे बंदे कहने तो पीड़े कपड़े
अपने पहले योगी ने कि नहीं को तो कोई औलाद है नहीं कोई ने जो मालूम है घर घर में कार्य करता कैसे क्या खर्चा पानी होता है ये तो एक अरे वो कह रहे हमारे सब खुशहाल है पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। कोई जानकारी नहीं है घर के बारे में कैसा खर्चा घर में चलता है कि तो ये कैसे हैं के साहब हमारी नज़र में तो बहुत गलत हैं उनकी गृहस्थी और उन्हें कोई गृहस्थी इस आदमी गृहस्थी होती है उसे मालूम होता है कि क्या खर्चा पानी होता है गृहस्थी का। अखिलेश हमारा ये कैसे आदमी है उनको हर एक बारे में जानकारी है मेरे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अच्छा और साहब बहुत सी चीज़ें ऐसी अखिलेश ने बनाई हैं कि उससे सब लोग अपनी ज़िंदगी बढ़िया काट रहे हैं। चलिए भैया खड़े हैं नौजवान हैं सरकार कह रही है हम नौजवानों को रोज़गार दिया भैया क्या लग रहा है कि सरकार कितना खुश है। बिल्कुल खुश नहीं है हम सरकार से हमें कोई रोज़गार नहीं मिला है हमें क्या तो करें 4.5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया हमने नहीं किसी को नहीं मिला है किसको मिला है बताओ आप ही बता दें। कहते जिनको टैलेंट है उनको रोज़गार मिला है क्यों हम टैलेंटेड नहीं है कैसे उन्होंने कैसे मान लिया हम टैलेंटेड नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं जो टैलेंट जिसमें टैलेंट उनको रोजगार मिल रहा है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार बेकाबाद 5 किलो राशन आप कह रहे थे कि 5 किलो राशन दे रहे 5 किलो राशन में क्या होगा 50 रुपये किलो सब्जी है आदमी सब्जी खाएगा या फिर गेहूँ खाएगा बताओ 5 किलो राशन से क्या हो रहा है एक महीने में 5 किलो राशन आप 10 किलो राशन 10 किलो कर दे 10 किलो में क्या हो रहा है 50 रुपये किलो सब्जी है पहले की सरकारें राशन खा जाती थी उनके लोग खा जाते थे नहीं नहीं वो गलत कह रहे हो तो महंगाई नहीं थी ना 500 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा है बताओ क्या मतलब ये क्या जताना चाह रहे हैं। कुछ और युवा भी खड़े हैं भैया क्या लग रहा है नौजवान अब किसको वोट करेंगे इस बार। फिलहाल तो अखिलेश को ही वोट देंगे वो क्योंकि सरकार में महंगाई बहुत थी और नए जो युवा लोग हैं उन्हें नौकरी के अवसर नहीं मिल पाए तो कह रहे हैं हम 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। अरे वो ऐसी छोटी मोटी नौकरी से क्या होता है जो भी वैकेंसी आती हैं जो भी मतलब पेपर आते हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं हमारी सरकार में पारदर्शिता है। अरे पारदर्शिता तो है लेकिन बट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा ना सरकार का। तो भैया आप क्या लग रहा है नौजवान आपकी किसको वोट करेगा। हम तो अखिलेश यादव को ही देंगे। अच्छा अखिलेश यादव हमारे अकॉर्डिंग तो अखिलेश यादव भी ठीक हैं क्योंकि मैं आज के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ योगी जी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है और मेरे हिसाब से किसानों के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ज़्यादा नहीं अगर ये लोग किसान निधि सम्मान निधि दे रहे हैं उसमें महंगाई देखिए आप कहाँ तक पहुँच रही है 1000 रुपये सिलेंडर है पेट्रोल है डीजल है और इसमें मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में अब अखिलेश यादव आए बहुत ज़्यादा बेटर है अभी के लिए। क्या कह रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं आप हैं तब डीजल मानो 100 रुपया लीटर बिक रहा हुआ है तब वो 40 रुपया लीटर अखिलेश गाँव में अब कहाँ था मानो आदि कहाँ था पूजे तो कह रहे फ्री वैक्सीन दे रहे हैं इसलिए थोड़ी महंगाई थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी कह रहे हैं। नहीं तो हम साहब हम तो वोट अखिलेश साहब देंगे बिल्कुल हाँ अखिलेश साहब देंगे वोट और ना देंगे अकेले जिता दोगे बाबा है अकेले ना जिताएंगे पूरी जनता देगी हमारी पूरी जनता साथ है। हाँ अच्छा हमारी पूरी जनता देगी बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं अब की बार हम और ज्यादा सीटें लेके नहीं खेती लेके आमे अच्छा हम तो अकेले से कोई वोट देंगे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी आपके हिसाब से 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आप भी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक सोच कैमरा पर्सन मनोज के साथ सोनू यादव बदायूं। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं जय भीम जय भारत।